you are willing to see this video in English, you should click on the first link in the description, because I have created a separate channel where I put on English content. So if you are one of my English speaking audience, you should prefer that channel. While the content would be same on both the channel, but the English content would be put on that channel and Hindi content would be uploaded on this channel. Hey namaskar, mera naam hai Nikhil. Aaj ki video mein compare karne wale hain Helioway 22 ko Helioway 25 se and dekhenge kaun sa zyada better chipset hai. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के लॉन्च डेट की. तो यहाँ पर Helioway 22 लॉन्च हुआ है 17 जुलाई 2018 में, जबकि यहाँ पर Helioway 25 लॉन्च हुआ है 2 मार्च 2020 में. सो एज पर द लॉन्च डेट Helioway 25 लेटेस्ट चिपसेट है. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के स्पेसिफिकेशंस की. तो यहाँ पर सीपीयू फैब्रिकेशन में दोनों ही इक्वल है, बिकॉज दोनों में हमें 12nm का TSMC वाला प्रोसेस मिलता है. बात करते हैं यहाँ पर रैम, तो दोनों यहाँ पर हमें सिमिलर रैम सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, बट यहाँ पर हमें 2GB एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है Helioway 22 में. स्टोरेज के मामले में यहाँ पर दोनों ही eMMC 5.1 को सपोर्ट करते हैं, तो इस मामले में दोनों ही इक्वल है. यहाँ पर AI के मामले में दोनों में हमें सिमिलर परफॉर्मेंस तो मिलता है, बट मुझे यहाँ पर Helioway 25 से स्लाइटली बेटर एक्सपेक्टेशन है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के ISP की, तो यहाँ पर हमें बेटर ISP मिलता है Helioway 22 में, बिकॉज ये यहाँ पर सिंगल कैमरा 21 MP तक का सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर ड्यूअल कैमरा 13+8 MP का लगाया जा सकता है. बाकी यहाँ पर वीडियोग्राफी में, डिस्प्ले सपोर्ट में एंड मॉडेम के मामले में दोनों ही इक्वल है. अब अगर हम बात करते हैं दोनों के सिंथेटिक बेंचमार्क की, तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली Antutu को यूज किया है. यहाँ पर Antutu वर्जन 8 में ज्यादा स्कोर कर लेता है Helioway 25. वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से दोनों के स्कोर को कंपेयर कर सकते हो. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के PUBG परफॉर्मेंस की. तो यहाँ पर दोनों में हमें स्मूथ प्लस मीडियम तक की सेटिंग मिलती है, जहाँ पर हमें बेटर FPS मिलते हैं Helioway 25 में. वैसे तो दोनों ही इतने अच्छे नहीं है गेमिंग में, बट अगर दोनों में से कोई चूज करना है गेमिंग के लिए, तो Helioway 25 बेटर चिपसेट है. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU एंड GPU परफॉर्मेंस की. तो यहाँ पर हमें CPU के जो स्पेक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर Helioway 25 में हमें ऑक्टा कोर CPU मिलता है, जबकि हमें Helioway 22 में एक क्वाड कोर CPU मिलता है. दोनों में हमें यहाँ पर कॉर्टेक्स के A53 वाले कोर्स ही मिलते हैं, बट यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर कॉर्टेक्स के A22 में, बट यहाँ पर हमें 4 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं कॉर्टेक्स के A25 में. ऑल्दो यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम है, यहाँ पर जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो है 1.8 GHz की एंड यहाँ पर जो एफिशिएंसी वाला जो क्लॉक स्पीड है 1.5 GHz. बट ऑल्दो अगर आप जानते हो स्पेक्स के बारे में, अगर आप नॉलेज रखते हो, तो आपको पता होगा कि ज्यादा कोर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड का जो फर्क है ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है दोनों क्लॉक स्पीड में. तो ऑल्दो यहाँ पर हम जो 4 कोर मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो काफी हद तक बेटर स्कोर करेंगे एंड काफी हद तक बेटर यहाँ परफॉर्म करेंगे. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के GPU की. तो यहाँ पर दोनों में हमें एक्जैक्टली सेम GPU मिलता है, बट यहाँ पर हमें 50 MHz ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलती है Helioway 22 में. एंड बहुत लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि ऐसा क्यों किया, Helioway 25 लेटेस्ट चिपसेट है बट यहाँ पर हमें कम क्लॉक स्पीड क्यों मिलती है. तो जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हीटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये किया जा सकता है, बिकॉज पहली बात तो हमें CPU ज्यादा पावरफुल मिलता है पहले के मुकाबले. तो यहाँ पर GPU में थोड़ा बहुत क्लॉक स्पीड अगर हम कम कर भी देते हैं, तो जो परफॉर्मेंस है ज्यादा हमें फर्क देने को नहीं मिलेगा, एंड इवन दो जो हीटिंग है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है. तो यहाँ पर ओवरऑल CPU GPU परफॉर्मेंस तो Helioway 25 में बेटर है, बट यहाँ पर हम सिर्फ GPU की बात करते हैं तो Helioway 22 बेटर निकल के आता है. बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU GPU EOX स्कोर की. तो यहाँ पर हर एक चीज में Helioway 25 बेटर स्कोर करता है. लास्ट अगर हम बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि Helioway 25 इज अ बेटर चिपसेट. आपको उसके लिए ही प्रिफर करना चाहिए, आपको उसको ही प्रिफर करना चाहिए बेसिकली. वैसे तो Helioway 25 के कंपैरिजन में आपको बेटर चिपसेट मिल जाएंगे, बट अगर आपको दोनों में से कोई एक लेना है, जैसे कि लाइक Helioway 22 एंड Helioway 25, तो आपको दोनों में से Helioway 22 प्रिफर नहीं करना चाहिए, Helioway 25 आप ले सकते हो. बाकी तक इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को. वेल टिल देन, दिस इज निक साइनिंग ऑफ. Let me see it.